दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास है स्विफ्ट VXI वेरिएंट। इस वीडियो में इसकी प्राइस और लोन के बारे में बात करने वाले हैं। इसको आप फाइनेंस करवाते हो तो कम से कम डाउन पेमेंट के बारे में बताएंगे, साथ में कम से कम किस्त के बारे में इस वीडियो में बताने की कोशिश करें। इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चलिए इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं, प्राइस के बाद हम इसके डाउन पेमेंट के और लोन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलिए इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। इसके एक्सोरूम प्राइस की अगर बात करें तो 5,51,590, RTO 62,398, इंश्योरेंस 33,337। गाड़ी की ऑन रोड पर यहाँ पर कैलकुलेट हुआ, गाड़ी की यहाँ पर ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट होकर आती है 6,87,326। ये आपकी गाड़ी की ऑन रोड प्राइस हो गई। अब चलिए इसके लोन के बारे में हम बात करते हैं कि कैसे इसको आपको फाइनेंस करवाना है और क्या आपको इस पे डाउन पेमेंट आने वाला है। दोस्तों गाड़ी की यहाँ पर ऑन रोड प्राइस हो गई 6,87,326, इस पे आपका डाउन पेमेंट 2,50,000 आ जाता है। आपका लोन अमाउंट बनता है 4,37,326। लोन पीरियड 5 ईयर के लिए आपका लोन बन जाएगा, 5 साल के लिए आपका लोन बनने वाला है। इस पे आपका इंटरेस्ट रेट लगने वाला है 9.8% का इंटरेस्ट रेट। अब बात करते हैं मंथली EMI के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मंथली EMI की अगर बात करें तो आपको 9,248 मंथली इस गाड़ी पर EMI आने वाली है, यानी कि हर महीने आपको पे करना पड़ेगा 9,248। 5 साल में आपको जो टोटल इस पर ब्याज लगेगा वो लगने वाला है 1,17,608। ये आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया इस गाड़ी पर, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 5 साल में। तो ये था मारुति स्विफ्ट के ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी जो भी सिटी है आप कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।